गाने का सहारा बाबा श्याम हमारा, इस नाम से कौन वाकिफ नहीं होगा। बाबा खाटू को कई और नामों से बुलाया जाता है, जैसे सीस के दाने, लोगों का सहारा, या यूं कहें कि हारे का सहारा। राजस्थान के सीकर स्थित प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर के पट 15 जनवरी के बाद खुलेंगे। मंदिर विस्तार की वजह से श्याम बाबा का मंदिर 13 नवंबर से बंद है। सीकर जिला कलेक्टर अमित यादव ने मंदिर विस्तार की तैयारी को लेकर समीक्षा की। कलेक्टर ने मंदिर कमेटी को 15 जनवरी तक तैयारी पूरी करने का निर्देश दिया। जिला कलेक्टर 15 जनवरी से व्यवस्थाओं को लेकर रिव्यू करेंगे। हम महाभारत से जुड़ी बाबा खाटू की पौराणिक कथाओं को तो जानते ही हैं, लेकिन बाबा खाटू श्याम से जुड़ी कुछ ऐतिहासिक कहानियां भी हैं। नमस्कार, मेरा नाम है माही और आप देख रहे हैं स्पाइस न्यूज भारत। खाटू श्याम के इतिहास में बताया जाता है कि पहले खाटू श्याम जी का नाम बर्बरिक था। वह बलवान गदाधारी भीम और सर्प कन्या मौरवी के पुत्र थे। उनमें बचपन से ही एक वीर योद्धा बनने के सभी गुण थे। उन्होंने युद्ध कला अपनी माता और श्री कृष्ण से सीखी थी। भगवान शिव की घोर तपस्या कर 3 बाण प्राप्त किए। ये 3 बाण उस तीनों लोक में विजयी बनाने के लिए पर्याप्त थे। श्री खाटू श्याम में श्याम के रूप में पूजे जाने वाले वीर बर्बरिक अपने भक्तों में हारे का सहारा नाम से भी प्रसिद्ध हैं। भगवान हमेशा शुद्ध हृदय वाले लोगों की मनोकामना पूरी करते हैं। माना जाता है कि मंदिर का निर्माण राजा रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर ने करवाया था। रूप सिंह का एक सपना था, जिसमें उन्होंने खाटू के कुंड से श्याम शीश निकालने का मंदिर बनाने के लिए कहा गया। उस कुंड को बाद में श्याम कुंड के नाम से जाना जाने लगा। एक मान्यता यह भी है कि करीब 1000 साल पहले एकादशी के दिन बाबा का शीश श्याम कुंड में मिला था। यहाँ पर कुएं के पास एक पीपल का बड़ा पेड़ था। यहाँ पर आकर गायों का दूध अपने आप ही निकलने लगता था। गायों के दूध देने से गांव वाले हैरत में थे। गांव वालों ने जब उस जगह पर खुदाई की तो बाबा श्याम का शीश मिला। शीश का चौहान वंश की रानी नर्मदा कंवर को सौंप दिया गया। बाद में विक्रम संवत 1084 में इस शीश की स्थापना मंदिर में की गई। उस दिन देवटनी एकादशी थी। भक्त इस पवित्र तालाब में इस विश्वास के साथ पवित्र स्नान करते हैं कि यह स्नान उन्हें सभी रोगों और संक्रमणों से छुटकारा दिलाएगा। मंदिर की वर्तमान वास्तुकला दीवान अभय सिंह द्वारा 1720 के आसपास पुनर्निर्मित की गई। भगवान बर्बरिक, जिन्हें वर्तमान समय का देवता माना जाता है, या भगवान श्री कृष्ण के रूप में उनकी पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में जरूरतमंदों के सहायक के रूप में पूज नहीं है, भगवान खाटू श्याम जी यहाँ निवास करते हैं और अपने भक्तों की सभी प्रार्थनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रसिद्ध हैं। धार्मिक और इतिहास से जुड़ी जानकारियों के लिए हमारे चैनल स्पाइस न्यूज भारत को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।